हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के प्रोज सेक्शन का लेसन फर्स्ट माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। दिस वन चैप्टर इज रिटन बाय एज यू आर सीइंग ब्रूकर टी वॉशिंगटन। यू शुड नो ब्रूकर टी वॉशिंगटन was an American Negro. He worked at a salt furnace in the early age of 10. Then he also worked in a coal mine. In this chapter, he totally described his struggle for schooling. As the chapter is started from here, one day, while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school. One day while he was working in a coal mine, then he happened to overhear, listen secretly, चुपके से के सुनना, छुपकर सुनना। तो जब वो कोयले की खान में काम कर रहे थे तो उन्होंने टू माइनर्स, माइनर्स खान में काम करने वाले मजदूर होते हैं, दो खान में काम करने वाले मजदूरों की बातचीत को सुना। टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, जो एक बहुत बढ़िया स्कूल के विषय में बातचीत कर रहे थे, फॉर कलर्ड पीपल, जो कि कैटेगराइज्ड अमेरिकन कास्ट के लिए था, यानी कि हफसी लोगों के लिए था, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए था। कलर और हफसी लोग क्योंकि काले होते हैं, इसलिए यहां पर कहा जाएगा जो कि काले लोगों के लिए स्कूल था, समवेयर इन वर्जीनिया। हाँ, और ये स्कूल वर्जीनिया स्टेट में कहीं था। तो एक दिन जब वो कोयले की खान में काम कर रहे थे तो उन्होंने मजदूर खान में काम करने वाले दो मजदूरों की बातचीत को सुना, जो कि एक बहुत ही अच्छे स्कूल के विषय में बातचीत कर रहे थे, जो कि काले लोगों के लिए, कलर्ड पीपल के लिए था, और जो कि वर्जीनिया में कहीं बसा हुआ, वर्जीनिया में कहीं था। वर्जीनिया अमेरिका का स्टेट है। This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college. The author accepted the fact this was the first time. उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि यह पहली मर्तबे था कि जब उन्होंने कभी किसी भी प्रकार के स्कूल व कॉलेज के विषय में सुना। That was more pretentious, जो कि बहुत ही ग्रैंड था, pretentious, ग्रैंड, शानदार था, than the little colored school in our town, जो हमारे कस्बे में काले लोगों के लिए, हफ्से लोगों के, रिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों के लिए जो हमारे कस्बे में स्कूल थे, उन स्कूल्स के अपेक्षा ये बहुत ही pretentious, बहुत ही शानदार था। As they went on describing the school, और जैसे ये लोग उस स्कूल का वर्णन करते जा रहे थे, इट सीम्ड टू मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, तो मुझे ये लगा कि ये दुनिया का सबसे महानतम स्थान होगा। एंड नॉट इवन इवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम देन डिड हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया अबाउट विच दिस मैन वर टॉकिंग। तो बताया Not even heaven presented more attraction, right? तो कहते हैं मेरे लिए स्वर्ग भी उतना आकर्षण का केंद्र नहीं था जितना कि हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, और जिसके विषय में ये लोग बातचीत कर रहे थे।
अर्थात कहने का मीनिंग ये है, राइटर कहना चाहता है कि स्वर्ग ही मेरे लिए आकर्षण का केंद्र नहीं था, ताकि यह हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। इसका कहने का अच्छा ये है कि अगर कोई कहता बोलो विद ह्यूमन बॉडी, ये पूरे शरीर के साथ स्वर्ग जाओगे, वहां अप्सराओं से या देवताओं से मिलोगे, या वर्जीनिया जाकर इस स्कूल में जाना चाहते हो। जो राइटर कहता मैं तो स्वर्ग को मना कर देता, मैं तो कहता मैं जा रहा हूँ वर्जीनिया में स्थित इसी हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में मैं जाऊँगा। अबाउट विच दीज मेन वर टॉकिंग, ये वही स्कूल था जिसके समय ये लोग बातचीत कर रहे थे, खान में काम करने वाले मजदूर। आई रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल। आई रिजॉल्व मीन्स आई डिसाइडेड, आई डिटरमाइंड, मैंने डिसाइड कर लिया, डिटरमाइन कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इस स्कूल को जाऊंगा। ऑल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वॉज, यद्यपि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि ये था कहाँ और हाउ मेनी माइल्स अवे, या वो वहां से कितना दूर था, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, या यहाँ पर पहुँचने के लिए मैं जाऊँगा कैसे। आई रिमेंबर ओनली दैट आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, मुझे तो केवल इतना ही याद है कि तब से मुझ में कंटिन्यू ये एम्बिशन बनी रही, ये महत्वाकांक्षा बनी रही। वो महत्वाकांक्षा क्या, दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन, कि मुझे हैम्पटन जाना है। यानी कि राइटर कहते हैं उसके बाद से मुझे याद है ये कंटिन्यू फायर कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यू टू बी कंटिन्यू, ये एम्बिशन ये महत्वाकांक्षा मुझ में पाई गई कि मुझे हैम्पटन जाना है। दिस थॉट वॉज विद मी डे एंड नाइट, और यह ख्याल यानी कि हैम्पटन जाने का ख्याल उसे दिन रात बराबर रहता। दिन में भी सोचता तो हैम्पटन के विषय में, रात में भी सोचता तो हैम्पटन के विषय में। In the fall of 1872, I determined to make an effort to get there. Fall, पतझड़ का मौसम होता है। 1872 के पतझड़ के मौसम में राइटर कहता है I determined to make an effort to get there, मैंने वहां जाने का determine किया, दृढ़ निश्चय किया, and my mother was troubled with a grave fear. और उसकी माँ को बहुत बड़ा डर सता रहा था। वो डर ये सता रहा था कि दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट अ वाइल्ड गोस चेज, कि वह वाइल्ड गोस चेज इट मीन्स एन अनफ्रूटफुल एफर्ट, इट मीन्स दैट वर्क विच हैव नो इट्स फ्रूट, ऐसा काम जिसका कोई फल नहीं होगा, जिसका कोई परिणाम नहीं होगा, अर्थात बेकार का काम शुरू करने जा रहा है। मेरी माँ को इस बात का डर था कि मैं एक फिजूल का काम करने शुरू करने जा रहा हूँ। एट एनी रेट किसी भी तरह आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर, किसी भी तरह एट एनी रेट एनी हाउ, राइटर कहता है कि उसने अपनी माँ से आधे ही मन से आधे ही दिल से कंसेंट परमिशन प्राप्त कर लिया दैट आई माइट स्टार्ट, जिससे वह रवाना हो सके। आई हैड वेरी लिटिल मनी विद विच टू बाय क्लॉथ्स, राइटर कहता है कि उसके पास बहुत ही कम पैसा था जिससे उसे कपड़े भी खरीदने थे एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, और उसे उसके रास्ते के खर्च भी देने थे, टिकट वगैरह भी लेना था। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी, राइटर कहता है मेरे छोटे भाई जॉन ने मेरी हेल्प किया, दैट ही कुड जितना कि वो कर सकता था, बट ऑफ कोर्स दैट वॉज नॉट अ ग्रेट डील, लेकिन वास्तव में वे पर्याप्त नहीं थे, ग्रेट डील सफिशियंट होता है वो नहीं थे, छोटा भाई था। राइटर विलियम रुकाटी वॉशिंगटन की एज उस समय 11 या 12 साल थी। उनका छोटा भाई था जॉन, जो भी कभी भार वो पैसे पा जाता था गुल्लक में कलेक्ट करता था और वही पैसा दे दिया, बोलो भैया लो जा रहे हो लेते जाओ, लेकिन दैट वॉज नॉट अ ग्रेट डील, दैट वॉज नॉट सफिशियंट। फाइनली द ग्रेट डे केम, अंत में
वो महान दिन आया, वो इम्पॉर्टेंट डे आया, एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए रवाना हुआ। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सैचल, सैचल बैग होता है, और राइटर कहता है कि उसके पास एक छोटा सा चीप सस्ता सा बैग था, झोला था, दैट कंटेन्ड व्हाट फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग आई कुड गेट, और जिस पर वो कुछ पहनने के कपड़े, आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग पहनने के कपड़े रखा था जो कि उसे मिल सके थे, जो खरीद सका था। माई मदर एट द टाइम वॉज रेदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ। राइटर कहता है कि मेरी माँ उस समय ज़्यादा ही कमजोर थी और उनके सेहत गिरा हुआ था। आई हैड हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, और मैं मुश्किल से ये उम्मीद कर सकता था, आई एक्सपेक्टेड होप होता है, मैं राइटर कहता है कि वो मुश्किल से इस बात की आशा कर सकते थे कि टू सी हर अगेन, कि इससे दोबारा मिल पाएंगे, दोबारा देख पाएंगे, कहीं वो भी दुनिया ना छोड़ दें। एंड दिस आर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड, इस प्रकार हमारी पार्टिंग, हमारी विदाई, हमारी जुदाई का पल वो बहुत ही दुखदायी रहा। सी हाउ एवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, इस सब के बावजूद भी वो बहुत बहादुर थी। ये क्वेश्चन बन के आता है, राइटर ने क्यों कहा कि सी हाउ एवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, राइटर ने क्यों कहा अपनी माँ को इसके बाद भी बहुत बहादुर थी, वो इसलिए कि एज ही वॉज वीक एंड सफरिंग फ्रॉम हेल्थ अनहीलिंग हेल्थ, येट शी डिड नॉट से टू द राइटर डोंट गो एनी वेयर टू लीव हर। इसका कहने का आशय यह है कि वो बीमार थी, वो कमजोर थी, इस सब के बावजूद भी उन्होंने राइटर को मना नहीं किया कि मत जाओ, उसे छोड़कर मत जाओ, इसलिए राइटर ने उन्हें कहा, इस सब के बावजूद भी वो काफी बहादुर थी। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 miles, माल्डन से हैम्पटन की दूरी 500 miles थी। 1 mile इक्वल टू 1.5 kilometer होता है, 1.5 kilometer 1 mile इक्वल टू, देन 500 miles इक्वल टू 750 kilometer। माल्डन से हैम्पटन की दूरी 500 मील थी, बाय वॉकिंग, बेकिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स इन सम वे। आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज आई रीच द सिटी ऑफ रिचमोंट, बाय वॉकिंग पैदल चलकर, बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन, वैगन घोड़ा गाड़ी होता है, ऐसे व्हीकल जो घोड़े खींचते हैं, तांगा कह सकते हैं, वो पैदल चल के घोड़ा गाड़ी व कार इंजन चालित वाहन में वो फ्री ले चलने का रिक्वेस्ट करके, इन सम वे किसी भी तरीके से आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज कई दिनों बाद आई रीच इन द सिटी ऑफ रिचमोंट। राइटर कहता है कि मैं रिचमोंट शहर को पहुंच गया, वो रिचमोंट शहर जो कि वर्जीनिया में था, दैट अबाउट 82 miles फ्रॉम हैम्पटन, और अभी भी हैम्पटन वहां से 82 miles दूर था, यानी कि 123 kilometer दूर था अभी हैम्पटन जहां उसे जाना था। व्हेन आई रीच देयर, राइटर कहता है जब वह वहां पहुंचा, वो टायर्ड थका था, हंग्री भूखा था, एंड डर्टी गंदा था, इट वॉज लेट इन द नाइट, और वह देर रात यहां पहुंचा था। आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी, राइटर कहता है कि मैं कभी इतने बड़े शहर में नहीं गया था, एंड दिस रेदर एडेड टू माई मिजरी, इससे मेरी बेचैनी, मेरी परेशानी बढ़ रही थी। व्हेन आई रीच दिस माउंट, और जब मैं इस माउंट पहुंचा, आई वॉज एक्सट्रीमली आउट ऑफ मनी, तो वह पूरे तरीके से उनका पैसा खर्च हो गया था। वो बताते हैं कि उनका पैसा पूरी तरीके से खर्च हो गया था, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा था। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वाइंटेंस, एक्वाइंटेंस फेमिलियर पर्सन होता है, परिचित लोग होते हैं, और राइटर कहते हैं कि उस स्थान पर मेरा एक भी परिचित शख्स नहीं था, एंड बींग अनयूज टू सिटी वेज, और शहर के रास्तों से अनजान होने के कारण आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, वो ये भी नहीं जानते थे कि अब वे जाएं किधर। आई अप्लाइड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, राइटर कहते हैं कि मैंने कई स्थानों पर रुकने के लिए कहा, बट ऑल दे वांट मनी, लेकिन वे सब पैसा चाहते थे।
दैट वॉज वॉट आई डिड नॉट हैव, और वही तो मेरे पास था नहीं। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू आई वॉक द स्ट्रीट, और तब मैंने गलियों पर टहलने से बेहतर कुछ नहीं पाया, इसलिए मैं गलियों में टहलने लगा। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिड नाइट, मैं निश्चित रूप से मिड नाइट अर्धरात्रि के समय तक गलियों में टहला होऊंगा। एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड, और अंत में मैं इतना थक गया, एग्जॉस्टेड थकना होता है, मैं इतना थक गया, वेरी टायर्ड या थकना, आई कुड वॉक नो लॉन्गर, कि अब मुझसे जरा भी चला नहीं जा सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका था, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं हुआ था, मैं होपलेस नहीं हुआ था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एक्सॉशन, और ठीक उस समय जब मेरी शारीरिक थकान अपने चरम पर पहुंच गई, आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट, मैं रास्ते के ऐसे भाग पर आया वेयर द ब्रॉड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड, जहां पर पैदल चलने का रास्ता डेवलप किया गया था, फुटपाथ बना हुआ था। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैंने कुछ पल इंतजार किया, टिल आई वॉज श्योर दैट नो पासर्स बाय कुड सी मी, और जब मैं इस बात से आश्वस्त हो गया, ये मैं क्लियर हो गया कि मुझे कोई भी पासर्स बाय, कोई भी राहगीर, कोई भी रास्ते में चलने वाला आदमी नहीं देख रहा है, देन क्रिप्ट अंडर द साइड वॉक, तब मैं उसी फुटपाथ के नीचे लेट गया एंड ले फॉर द नाइट अपॉन द ग्राउंड, और पूरी रात जमीन पर लेटा रहा विथ माई सेचल ऑफ क्लोथिंग फॉर अ पिलो, और जो कपड़ों का झोला ले गया था, बैग ले गया था, उसे मैंने अपनी पिलो बना लिया, तकिया बना लिया, सुरक्षा के लिहाज से भी और आराम के लिहाज से भी। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, और लगभग पूरी रात, राइटर कहता है कि वो अपने सर के ऊपर से चलते हुए ट्रैम्प पदचाप चलने की आहट, पैरों की आवाज को सुनता रहा। इट्स ओके, अपेक्षा है इस वीडियो के माध्यम से आप इस चैप्टर को बहुत ही क्लियरली समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे हम इसे पूरा करेंगे।